कर्नाटक में कांग्रेस बहुमत से जीत दर्ज कराने के नज़दीक है। रुझानों में पार्टी को 130 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। इस चुनाव में कांग्रेस ने अपना पूरा जोर लगा दिया था, जिसके नतीजे सामने हैं। इसी बीच राहुल गांधी दिल्ली स्थित पार्टी दफ्तर पहुंचे। उन्होंने मीडिया के सामने आए और 6 बार नमस्कार किया। कहा, सबसे पहले मैं कर्नाटक की जनता को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, सब नेताओं को और उनके काम को बधाई देता हूँ। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के चुनाव में एक तरफ सरकार के करीबी पूंजीपतियों की ताकत थी और दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति। इस चुनाव में शक्ति ने ताकत को हरा दिया। यही हर राज्य में होगा। कांग्रेस कर्नाटक में गरीबों के साथ खड़ी हुई। हम उनके मुद्दों पर लड़े। हमने नफरत और गलत शब्दों से ये लड़ाई नहीं लड़ी, हमने मोहब्बत से लड़ाई लड़ी। कर्नाटक ने दिखाया कि इस देश को मोहब्बत अच्छी लगती है। राहुल ने कहा कि कर्नाटक में नफरत का बाजार बंदा हुआ है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। ये सबकी जीत है। सबसे पहले ये कर्नाटक की जनता की जीत है। हमने चुनाव में कर्नाटक की जनता से 5 वादे किए थे। हम इन वादों को पहले कैबिनेट मीटिंग में पूरा करेंगे। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।